बीजेपी की सियासत राम से ही शुरू और राम पर ही खत्म होती है। बीजेपी को राम मंदिर से कोई सरोकार नहीं है, वो तो केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए राम नाम जप रही है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर बनवाना नहीं चाहती, बल्कि वो सत्ता हासिल करना चाहती है। सत्तारूढ़ पार्टी पर बरसने के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ भी की। 2014 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बनवाने का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी के लिए ये वादा अब गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि इस वादे को लेकर न सिर्फ विपक्ष सरकार को घेर रहा है, बल्कि उसके अपने सहयोगी भी दबाव बना रहे हैं। वीएचपी के कुछ नेताओं का मानना है कि बीजेपी ने केवल सत्ता के लिए राम का नाम जपा। वीएचपी के साथ साथ आज द्वारका के शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती भी बीजेपी पर राम मंदिर को लेकर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर बनवाना नहीं चाहती है, वो आगामी लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के नाम पर सत्ता पाना चाहती है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार राम मंदिर के मुद्दे पर गुमराह कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने गौ हत्या को लेकर भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ बयानबाजी करते हैं, उनके बस में लोगों को रोकना नहीं है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जहां मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार की, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सराहना भी की। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी के भाषण को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी ने पप्पू कहने का विरोध नहीं, बल्कि भाजपा की नीतियों का विरोध किया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।